हाय फ्रेंड्स, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज का जो रिक्रूटमेंट आया है वो असम से आया है और डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस में जॉब होगा। और टोटली जो वैकेंसीज है यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करूँगा और कैसे अप्लाई करेंगे वो प्रोसेस भी दिखाऊँगा। अलग अलग पोस्ट है, लोअर डिवीजन क्लर्क है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, टाइपिस्ट है, पियोन है और बहुत सारे पोस्ट है। तो पूरा डिटेल्स मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और मेरे चैनल में नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो देखिए, असम से जो रिक्रूटमेंट आया है ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं और आपको असम में ही जॉब मिलेगा। और यहाँ पे देखिए 33 वैकेंसीज होगा। और यहाँ पे देखिए स्टेनोग्राफर के लिए 5 पोस्ट, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 2 पोस्ट, टाइपिस्ट 3 पोस्ट, ब्रांच असिस्टेंट के लिए 5 पोस्ट, कॉपीस्ट के लिए 5 पोस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 11 पोस्ट और ऑफिस पीएन के लिए 1 पोस्ट और चौकीदारी के लिए 1 पोस्ट। परमानेंट आपको जॉब मिलेगा और 18 से 40 ईयर्स आपको एज लिमिट होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे आपको कोई भी चार्जेस नहीं आपको पे करना है इसको अप्लाई करने के लिए। और सिलेक्शन प्रोसेस टोटल रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपको सिलेक्शन हो जाएगा इंटरव्यू के माध्यम से। और सैलरी पैकेज देखिए 10,000 से 60,500 तक। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी पैकेज रहेगा, तो नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा, तो आप नोटिफिकेशन को चेकआउट कर लीजिए लेना। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए, सिर्फ आपका जो चौकीदारी और पीओन का पोस्ट है वो 8 पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जो पोस्ट है उसके लिए आपको हायर सेकेंडरी और गैजेट और डिप्लोमा सर्टिफिकेट कंप्यूटर कोर्स ये भी होना चाहिए। तो अलग अलग पोस्ट के लिए जो क्राइटेरिया है यहाँ पे देखिए, एडवर्टाइजमेंट में आप आइए, यहाँ पे जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ से आपको सैलरी पैकेज और एडुकेशन क्वालिफिकेशन राइट साइड में दिया हुआ है, तो आप यहाँ से पूरा चेकआउट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसका लास्ट डेट है 29 मार्च, उससे पहले आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन का प्रोसेस देखिए, अप्लाई ऑनलाइन में जब क्लिक करेंगे तो इस विंडो ओपन हो जाएगा। इस विंडो में जाकर आपको क्या करना है, तो उससे पहले आपको नोटिफिकेशन में जाकर नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रोसीड टू अप्लाई ऑप्शन में क्लिक करना है। जब अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे देखिए कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे पोस्ट डाल दीजिए, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद आपको सपोज मैं कोई भी एक पोस्ट यहाँ पे डाल देता हूँ और प्रोसीड टू नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको बाकी डिटेल्स फिलअप करना है। तो इसी तरीके से आपको पूरा डिटेल्स फिलअप करने में कोई भी चार्जेस नहीं इसका अप्लाई करने के लिए। तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। आई होप जॉब का पूरा डिटेल्स आपको समझ में आ गया, जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया जॉब लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट जॉब में। धन्यवाद।